फंसाइए तो फिर थोड़ा बैलेंस बनेगा। ऐसा चलिए। तो दोस्तों एक्चुअली ये राइड काफ़ी रॉयल होती है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखो यार आपके लिए मुझे कैसी कैसी राइड करनी पड़ती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशरफ कमाल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों एडवेंचर किसको पसंद नहीं है, कुछ अलग चीज़ करने का किसको एक शौक नहीं होता है। दोस्तों ऐसा ही एक राइड मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। राइड क्या कह सकते हैं, ये बस हॉर्स राइडिंग कहते हैं इसको। मेरा हमेशा से ये एडवेंचर रहा है। मैं पहले भी कई बार हॉर्स राइडिंग कर चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने मरीन लाइन पटना पे किया था। अभी मैं वापस एक बार आपको एक हॉर्स राइडिंग करके दिखाता हूँ कि ये हॉर्स राइडिंग एक्चुअली ये आम लोगों के लिए, जो आम हम जैसे लोग हैं इनके लिए ये कॉमन सी बात नहीं होती है। जैसे कि मैंने एक बार कपिल शर्मा शो के दरमियान, कपिल शर्मा शो में मैंने देखा था, उसमें रविंद्र जडेजा जो हॉर्स राइडिंग के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, उनके पास बहुत अलग अलग तरीके के घोड़े हैं। तो उन्होंने बताया था कि अगर आपको कभी एडवेंचर करना है तो हॉर्स राइडिंग एक बार ज़रूर करना। तो आपको दिखाते हैं हॉर्स राइडिंग, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब देखिए, आप इधर आ जा, आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसे ये चढ़ने का प्रोसेस है। ये भाई साहब मुझे हेल्प करेंगे इसमें। ऐसे पैर रखते हैं। अब ये राइड यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली ये राइड काफ़ी रॉयल होती है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और थोड़ा वो क्या बोल सकते हैं, टर्बुलेंस वर्ड पता नहीं इसके लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। अगर नए नए हैं तो आपको दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। फिलहाल मुझे एक दो बार आदत हो गई है इसकी, तो मैं अभी एक हाथ से पकड़ा हुआ हूँ और एक हाथ से आपको तो ये मुझे दिखाना ही है। तो मज़ा आ रहा है, काफी मजा आ रहा वो पैर निकाल दिया। तो दोस्तों उतरने के लिए भाई साहब लोग का हेल्प लेना पड़ेगा। दोस्तों हॉर्स राइडिंग का इतना डिमांड है, अभी मैंने जब बुक किया उससे ठीक पहले तीन चार लोगों ने राइड किया और मेरे तुरंत बाद इस एक कपल ने यहाँ पे बुक कर लिया। आजकल हॉर्स राइडिंग बहुत डिमांड में है। तो दोस्तों मेरी राइड हो चुकी है कंप्लीट। ऐसे ही एक हॉर्स राइड को मैंने दिखाया अभी आपको।
एक और किसी भाई ने, किसी कपल ने उनको वापस से बुक कर लिया, हमने पेमेंट कर दिया। तो एक राइड ना, ये मरीन लाइन का ये जो आपको दीघा पुल दिख रहा है, जेपी सेतु, वहाँ से लेके ये इलेक्ट्रिक पोल हैं तीन चार, ऐसे तीन चार इलेक्ट्रिक पोल्स पे ये लोग 50 रुपीज़ में पूरा एक कंप्लीट राइड आपको करा देते हैं अप एंड डाउन। तो ये वर्थ इट है, मज़ा आया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेमेंट किया इनको, मुझे खुशी हुई कि इन्होंने अपने एंड से ठीक ठाक रिकॉर्ड करने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि मुझे हमेशा लग रहा था कि मैं आपको हमेशा रेस्टोरेंट, पार्क्स, शॉपिंग मॉल, ऐसी जगहों पे लेके जा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट आपको नहीं दिखा पा रहा था। ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये कुछ डिफरेंट दिखाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये हॉर्स राइडिंग आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप तक अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखो यार, आपके लिए मुझे कैसी कैसी राइड करनी पड़ती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।